हेलो एवरीवन, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एस्कोमाइसिटीज से। ये है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 7। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा था, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जहाँ पाए जाते हैं उनके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ इससे पहले में फाइकोमाइसिटीज में हमने दो तीन देखे थे जिसमें म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो आया था। जब एस्कोमाइसिटीज की तरफ देखेंगे तो इसको देखो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैक फंजाई। नाउ व्हाट डज दैट मीन, सैक फंजाई। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इसलिए हम इसको सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं ना, ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब कई सेल वाले होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल उसका है पेनिसिलियम, ठीक है, और रेयरली यूनिसेल्यूलर, दैट इज यीस्ट। तो दो चीजें हो गई, पेनिसिलियम हो गया और दूसरा हो गया यूनिसेल्यूलर, दैट इज यीस्ट। तो ये किसके अंदर आते हैं, एस्कोमाइसिटीज के अंदर। बट जो चीज आपको याद रखनी है वो ये कि ये सैक फंजाई कहलाते हैं, ठीक है। नाउ सेक्रोमाइसिस, आपको पता ही होगा यीस्ट का जो यूज होता है बहुत सारी बेकिंग की या फिर ऐसी चीजों में यूज होता है जहाँ बेकिंग और ये सब काम हो जाए। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और सॉरी कॉप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग। ओके, देखो सेप्रोफाइटिक दैट मीन्स दे फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, जो भी चीज़ सड़ रही होती है उस पर ये फीड करते हैं। डिकम्पोजर्स बिकॉज दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन, कोई चीज़ पे वो ग्रो करते हैं तो उस चीज़ को वो क्या करते हैं, डिसॉल्व करना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं, तो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। देन कम पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या हो गया, पैरासिटिक हो गया दूसरों पर डिपेंडेंट। तो दो तीन तरह की चीज़ हो गई, दे आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड, डेड मैटर पे ये लोग फीड करते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली जिस पे भी ये फीड कर रहे हैं उसको धीरे 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 खाना शुरू करते हैं। एंड देन कॉप्रोफाइलस, दैट इज दे ग्रो ऑन डंग, जो गोबर होता है, जो वेस्ट होता है उस पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। आपको बहुत अच्छे से मैंने पहले पार्ट में, इससे दो पहले के पार्ट में जो किंगडम फंजाई वाला पार्ट है उसमें समझाया था कि सेप्टेट और ए सेप्टेट क्या होता है। जब पूरा का पूरा जो ये हाइफे और ये सारी चीज़ों में डिवीजन देखने को मिलता है, मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज सेप्टेट, ठीक है। तो ये बीच बीच में जो ये डिवीजन है इसकी वजह से इसको सेपरेट बोलते हैं। और ये क्या है, कॉन्साइटिक हो गया, जो बीच बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, तो सेपरेट एंड कॉन्साइटिक। नाउ इसके बाद हम एक चीज देखते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। देखो इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो आगे चल के प्रॉपर ये फॉर्म करते हैं, तो वो कौन कौन से हो गए, कोनिडिया हो गया, दूसरा कोनिडियोफोर्स हो गए। क्या क्या हो गया, कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर्स हो गए। नाउ ये एक्सोजेनसली फॉर्म होता है कोनिडियोफोर्स में, कोनिडिया आर फॉर्म्स एक्सोजेनसली ऑन कोनिडियोफोर्स। तो ये एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जो कोनिडिया है वो बाहर आउटर फॉर्मेशन होता है। देर आर टू टर्म्स, एंडोजेनसली एंड एक्सोजेनसली। जब एंडो की बात होती है मतलब कोई चीज़ अंदर फॉर्म हो रही है, और जब हम बात करते हैं एक्सोजेनसली मतलब कोई चीज़ बाहर की तरफ फॉर्म हो रही है, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, ये जो कोनिडिया है जब वो जर्मिनेट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली इन सैक लाइक एस्की। अब देखो, अभी तक आपने जो पढ़ा दैट वॉज ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शुअल स्पोर्ट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शुअल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, दे आर सॉरी सेक्शुअल स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। इनको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं इन अ सैक लाइक एस्की, मतलब बहुत सारे नहीं होते, एक सिंगल सिंगुलर एस्कस जो बैग होता है उसमें अंदर की तरफ ये फॉर्म होते हैं। जो हमने पढ़ा था एक्सोजेनसली जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। कोनिडिया ए सेक्शुअली प्रोड्यूस होता है, ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स होते हैं जो कि बाहर प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनसली, किसके अंदर, कोनिडियोफोर्स में। जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है सेक्सुअल स्पोर्ट्स में, जिसको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, एंड दे आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली, मतलब वो अंदर प्रोड्यूस होते हैं इन सैक लाइक एस्की, दैट इज सिंगुलर एस्किस में। दीज एस्कीज आर अरेन्ज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। ये जो एस्की है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग
ग्लोइंग बॉडीज में अरेंज होते हैं, जिसको एस्कोकार्प बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए बहुत डिटेल में ऐसे नहीं पूछते, वो नीट में पूछते हैं कि एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं कुछ भी चीज है। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए कि ये सेक काइंड ऑफ है या फिर इसके अंदर क्या चीज है, सेपरेट है नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ कुछ एग्जाम्पल इसके जो है, दैट इज एस्पर्गिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ये सब आपने पहले पढ़ा भी होगा। ये जो न्यूरोस्पोरा है ना, दिस इज यूज फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। काफी ज्यादा इसका यूज होता है जेनेटिक वर्क में और बायोकेमिकल में, मतलब चीजों में। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसी। अब देखो कुछ इसमें से मेंबर्स जो है, जिसका नाम भी दे रखा है, दैट इज मोरल्स एंड ट्रफल्स, दे आर एडिबल। एडिबल मीन्स यू कैन ईट देम। एंड सेकेंड थिंग, दे आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज, दैट मीन्स एक तो आपने देखा होगा, आप होटल में जाते हो, कुछ बहुत ही अच्छी सी वो मतलब स्वीट डिश लाते हैं, वो बोलते हैं दिस इज लाइक डेलिकेसी की। एक तो थोड़ी महंगी होती है, अच्छी होती है, क्वांटिटी में सॉरी क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है, तो उसको डेलिकेसीज बोलते हैं। तो कुछ इसमें से मशरूम, दे आर एक्सपेंसिव प्लस दे आर कंसिडर्ड डेलिकेसी बिकॉज दे आर यू नो ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एंड काफी अच्छे होते हैं खाने में, सो इसलिए उनको डेलिकेसीज में रख देते हैं। सो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको क्विक रिविजन करते हैं। सबसे पहले तो हमने एस्कोमाइसिटीज में देखा कि दे आर नोन एज सेक फंजाई, ठीक है, और दे एंड दे आर मल्टी सेल्यूलर। सेकेंड थिंग, कई मल्टी सेल्यूलर जैसे कि पेनिसिलियम हो गया, यूनिसेल्यूलर जैसे कि यीस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, जो कि बाहर प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर्स में। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन, जो कोनिडिया होता है जर्मिनेशन के टाइम पे वो माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है कि हमने देखा कि कुछ जो होते हैं इसमें से काफ़ी अच्छे यूज होते हैं इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, एंड फ्यू ऑफ देम आर यूज्ड एज एडिबल मशरूम्स, और कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं प्लस काफ़ी अच्छे माने जाते हैं व्हेन यू ईट देम। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ ये हमारा एस्कोमाइसिटीज कवर हो गया इस पार्ट में। इससे पहले के पार्ट में हमने फाइकोमाइसिटीज को कवर किया था, एंड नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। और एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी पार्ट देखना है इसमें से, कोई भी चैप्टर देखना है 11th या 12th का, डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है 11th 12th बायोलॉजी, प्लस बायोलॉजी में भी बहुत छोटी छोटी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उनको भी एक बार देख सकते हैं, उसमें काम की चीज़ें मिलेंगी आपको। तो वो चैप्टर के अकॉर्डिंग एक एक प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक जो भी है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर हुई भी मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर चेक करना। थैंक यू सो मच।